तो शुरू आपने सराइकी ज़बान में ही काफ़ियाँ वगैरह गाती नहीं, हैं उर्दू शुरू? भी, पंजाबी, सराइकी जो मिक्स गाती अच्छा, चलें तो सबसे पहले आप हमें क्या सुना रहे? हैं। ये गज़ल सुरूर बारह बंकी भी साहब की पेश करें। अभी अभी आपने कहा कि आपको कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, 10-12 साल पहले जी आपने जी कहा, तो ये कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं है, क्या वजह है? पहले नहीं आपने कभी असल में हमारे घर की लड़कियां नहीं गाती, फिर बस सिर्फ मुझे ही शौक था तो इजाज़त और मैंने कैसे मिली? बगावत करके किया ये काम। और इजाज़त मिल गई, हाँ, इजाज़त मिल गई अब घर वाले मिलते हैं, जी, शौक से शौक से, सुनते बड़ा शौक से हैं जी। अच्छा चलें, अब क्या नेक्स्ट हमें आप सुना रहे? जवानी जिंदगानी है, जवानी जिंदगानी है, न तुम समझे न हम समझे, जवानी
हर की जवानी है, घड़ी हर की जवानी है, न तुम समझे न हम समझे, जवानी जिंदगानी है, जवानी जिंदगानी है, न तुम समझे न हम समझे, जवानी जवानी। Thank you.
बहुत खूबसूरत, लेकिन बहुत प्यारा लगा सुनने में। लेकिन अब इसकी थोड़ा सा मतलब भी बता दें। जब आपने वर्ड कहा ना सिपाही, तो मुझे कुछ समझ आ गया कि वो आप कह रही हैं कि स्वीटी पाए जा तो रहे हो, मुझे भूलना नहीं, कुछ इस तरह की बात। ये मतलब एक मैं अपने महबूब को कह रही हैं कि भूरला खूबसूरत, अच्छा मेरे लिए एक पल तो ठहर जाए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इस तरीके से। अब क्या नेक्स्ट हमें आप सुना? ये गज़ल है मोहसिन बब्बाली साहब की, और चाहत में क्या दुनियादारी। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। लोगों का क्या समझाने दो, लोगों का क्या समझाने दो, उनकी अपनी मजबूरी। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। I'm not afraid.